हेलो स्टूडेंट्स मैं फिजिक्स फैकल्टी आई हैव टॉट इन मैनी इंस्टीट्यूट्स आई एम थर्टी ई एक्सपीरियंस्ड मैंने बहुत से बच्चों को डॉक्टर्स बनाए इंजीनियर्स बनाए और बहुत से स्टूडेंट्स काफ़ी हाई हाई स्टैंडर्ड पोस्ट पे पहुँचे अब बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि मॉडर्न लाइफ के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूं कि आप कैसे एक कम्पटिटिव एग्ज़ाम सच एज़ नीट आई जी को आप कैसे फुलफिल कर सकते हैं कैसे वेरी सिंपल वे अलेवन्थ ट्वेल्थ आप कंप्लीट कर सकते हैं ड्यू टू मॉडर्न वे आजकल कंप्लीट यूट्यूब इंटरनेट की लाइफ स्टाइल है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा आपको द बेस्ट वाइडर वे अपनी नॉलेज दूँ फर्स्ट थिंग आपको सी बी एस ई कम्प्लीट करना है उसमें से सी बी एस सी और किसी रिफ्रेशर बुक के साथ एन सी आर टी एंड एन सी आर टी एग्जाम्पलर आपको करना मस्ट ये करने के बाद और रिफ्रेशर बुक करने के बाद फिर आप आएंगे एस सी वर्मा ऑब्जेक्टिव डी सी पांडे ऑब्जेक्टिव कंसेप्चुअल लाइक दिक पूजा व्यास ऑब्जेक्टिव कंसेप्चुअल थर्टी ईयर्स क्वेश्चन बैंक थर्टी टू ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लाइक दिस बट एक विशेष ध्यान देना पहले स्टेट वाइज एग्जाम होते थे और स्टेट वाइज सिलेबस अलग होता था तो अगर आप थर्टी ईयर्स के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो किसी अदर स्टेट में किसी टाइम पर सिलेबस में थे बट वो एन सिलेबस में नहीं है अब वो क्वेश्चन आपसे नहीं, नहीं नहीं पूछे जाएंगे तो आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको प्रीवियस टेन ईयर्स क्वेश्चन पेपर प्रीवियस थर्टी ईयर्स क्वेश्चन पेपर तो आप करेंगे बट उन्हें आपको विशेष ध्यान देना है कि ओनली अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो क्वेश्चन जो सिलेबस से बिलोंग करते हैं एनसीआर सिलेबस से ओनली वो करना है उसके बियॉन्ड आपको नहीं करना उसके बियॉन्ड एन टी ए क्वेश्चन नहीं 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 पूछता है आपको कुछ लोग मिस गाइड करते हैं कहेंगे ये क्वेश्चन लीजिए बाहर का है भाई वो बाहर का नहीं है वो बाहर का नहीं है वो एन के ही स्टैंडर्ड और सिलेबस के अंदर है बाहर नहीं होता है आपको बता देंगे बाहर का कैसे बाहर का है अगर लॉज ऑफ मोशन का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो लॉज ऑफ मोशन का ही है उसी प्रिंसिपल के बेस पर है उससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आता है तो ये विशेष आप ध्यान देना और दूसरी बात जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कोई भी क्वेश्चन कंपटीशन का वन टू लाइन से ज्यादा का नहीं होता है राइटर्स आपको शॉल्ड जब क्वेश्चन देखते हैं आंसर देते हैं तो वन पेज हाफ पेज में करके दिखाते हैं वो टू मेक यू अंडरस्टैंड अदरवाइज फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव ही होते हैं दैट बिलोंग्स टू द डायग्राम, ग्राफ कंसेप्ट थ्योरी बेस क्वेश्चन ही होते हैं और कुछ क्वेश्चन अगर आप टू द पॉइंट अगर आप सोचेंगे तो वन टू लाइन में कंप्लीट हो जाते हैं इसलिए कुछ बुक्स सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मैं उन बुक्स का लिंक दूंगा आप वहां से मंगवा सकते हैं और कोई एक बुक आप ले लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए इस बात को माइंड में रखते हुए अगर किसी क्वेश्चन में मोर देन वन टू मिनट्स का टाइम लग रहा है तो यह समझ लेना यू आर नॉट टू द पॉइंट मैं कुछ सीरीज बनाने जा रहा हूं उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के ही आंसर दूंगा और कोई भी क्वेश्चन वन या टू लाइन से अधिक नहीं होगा उसी में आपका आंसर मिल जाएगा क्योंकि अगर आप टू द पॉइंट सोचोगे तो वो आंसर बस उसी में है उसके बियॉन्ड नहीं है वन टू मिनट के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उसका आंसर आपको आ जाएगा उसके लिए द बेस्ट है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और आपको टू द पॉइंट सोचना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखें बताएं कि हमें टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना है आपको लोगों को ज़रूरत है तो मैं इस टाइप की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करूं जिसमें आंसर्स ओनली वन टू लाइन में हो और मैं आप वैसे मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डेली कुछ क्वेश्चन डालता हूं उनके आंसर होते भी हैं वन एंड टू लाइंस में तो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है फ़ोन नंबर है आपको कोई भी एडवाइस चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बताएं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड द बेस्ट ऑफ लक कोई भी एडवाइस है उसके लिए मैं अपनी सर्विसेज आपको देने के लिए तैयार हूँ और इस टेक्निक की वजह से ही मेरे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का नेट एंड आईटी में सिलेक्शन होता है क्योंकि मुझे ये देखना है कि क्वेश्चन प्रिंसिपल क्या है और प्रिंस क्वेश्चन के टू द पॉइंट हमें सोचना है वन टू मिनट में आपका सल्यूशन आ जाएगा और क्वेश्चन यू विल फील वेरी वेरी इजी ओके बाय बाय थैंक यू